क्योंकि इस पूरे आंदोलन में कुछ ऐसा लग रहा है, देश भर में जो CAA, NRC, NPR के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि छात्र और देश की आम जनता एक तरफ है और पुलिस एक तरफ है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आज जो यहाँ पे मार्च हुई है शांतिपूर्ण तरीकों से, जो हौज खास की पुलिस ने कराई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक बार फिर यहाँ से बोलना चाहता हूँ और पूरे देश की पुलिस के लिए अब मेरे पास एक मैसेज है, छात्रों का या इस देश की जनता का पुलिस से ना ही तो कोई दिक्कत है ना ही कोई लड़ाई है, पर पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपको ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि यूनिवर्सिटी में घुस जाइए, बच्चों की लाइब्रेरी तोड़ दीजिए, उनके हाथ पैर तोड़ दीजिए, लोगों के घरों में घुस जाइए, तो आप लोग भी एक बार अंदर झांक के देखें अपने जमीर में कि क्या इन छात्रों के खिलाफ हमको ये करना चाहिए। आप लोग भी एक बार इसलिए भी झांक के देखें और जो लाठी अपनी चलाएं वो सोच समझ के चलाएं और धीरे चलाएं, क्योंकि पता नहीं किस मार्च में आप ही का बच्चा लाठी खा जाए आप ही के साथी से। ये पूरे देश की युवा की मार्च है, आपने देखा होगा कितने शांतिपूर्ण तरीके से हम ये सब कर रहे हैं। हम समझते हैं अगर इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में, अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर आप हमारे खिलाफ भी मत खड़े होइए। जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, ये प्यार ना होगा कम। जय हिंद जय भारत।